Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Now, before jumping into the specifics of O or A level accounting, let me first get the opportunity to introduce myself to you. This is Ahmad Raza Darolia. My students call me ARD. I have a background in finance. I've completed my ACCA back in 2010, where I scored distinctions in many of the ACCA papers and in the accounting paper that i'm going to teach you i have secured 100% marks alhamdulillah and i'm also the place winner of few of the cost and management accounting papers those who are familiar with the acca stream i've got distinction in pakistan for acca f5 and acca p5 as well and i've scored 90s Marks in 90s in few of my other papers as well. Now apart from that, my two of my students have also secured distinction in accounting. One in A level accounting, that is GCE accounting, and Sindhan Balochistan. And second student of mine have secured distinction uh, in Edexcel stream, A level stream. Okay. So I've been teaching O and A level accounting for the past ten years now. And some reputed O and A level schools of Pakistan. Apart from that, I am also associated with some of the academies in the evening. And other than that, I am also associated with some of the online platforms that has online academies offering video courses that are recorded courses or be it online classes. Now enough uh, about me, and let us move about and see what the accounting subject has to offer us. Thank you.

पेपर रिव्यू के ऊपर या पेपर पैटर्न के ऊपर या एग्जाम पैटर्न के ऊपर सो बेटा एज यू आर मोस्ट ऑफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हमारे पास दो पेपर्स हैं एक है पेपर थ्री और एक है पेपर फोर नहीं पे एक जमाना था कि ए लेवल अकाउंटिंग में सिर्फ एक पेपर हुआ करता था जो कि पेपर थ्री के नाम से होता था जो कि वन मार्क का पेपर होता था और तीन घंटे का पेपर होता था जिसमें छः क्वेश्चन आते थे ट्वेंटी मार्क का एक क्वेश्चन था तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता था बच्चों के ऊपर क्यों क्योंकि इतना आसान नहीं होता था बच्चों के लिए कि एक साथ जो है वो पूरे कोर्स को रिवाइज करना बी इट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बट थैंक्स टू सी ए आई इन लोगों ने क्या किया, किया कि पेपर को दो में डिवाइड कर दिया पेपर थ्री अलग कर दिया सर पेपर फोर अलग कर दिया पेपर थ्री जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जैसा कि यहाँ पे मैंशन हुआ हुआ है और पेपर फोर जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पेपर थ्री में बेसिकली हमारे पास 75 मार्क्स हैं और वी हैव थ्री क्वेश्चन देखें तीन सवाल हैं और एक क्वेश्चन ऑब्वियसली कितना होगा 25 मार्क्स का और पेपर फोर जो है वो 50 मार्क्स का है और टू क्वेश्चन हैं इसका मतलब अगेन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कितने का है 25 मार्क्स का तो प्राइमरीली हमारे पास एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है ए टू लेवल अकाउंटिंग में सारे क्वेश्चन बेटा इक्वल मार्क्स के हैं और वो है ट्वेंटी मार्क्स तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे पास तीन सवाल हैं पहले चार आते थे एक जमाने में और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पहले भी दो आते थे और अब भी दो ही सवाल आते हैं सही है जी तो ये हो गया और टाइम की अगर हम बात करें बेटा जहाँ तीन सवाल है तो वहां पे आपको डेढ़ घंटा दिया गया है सही है और जहां पे आपके आ, दो सवाल है वहां पे आपको एक घंटा दिया गया है इसका मतलब बड़ा सिंपल सा रूल है एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा है दो क्वेश्चंस के लिए एक घंटा और तीन क्वेश्चंस के लेके आए डेढ़ घंटा तो सीधा सीधा जो है वो एक सवाल आपको आधे घंटे में सॉल्व करना है ट्वेंटी फाइव मार्क का क्वेश्चन सही जी तो ये तो हो गया थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के हवाले से अब आ जाते हैं बेटा हम जो है सिलेबस आउटलाइन के ऊपर या कोर्स आउटलाइन के ऊपर आ जाते हैं जैसा कि आपके इल में है कि बेटा कोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका पेपर थ्री है और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका पेपर फोर है तो अब बेटा चूंकि आप एस लेवल अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं तो वैसे तो आपको डिफरेंस पता ही है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिर भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है बेटा वो एक्सटर्नल यूज के लिए होती है और ये जब हम अकाउंट्स बनाते हैं शेयर होल्डर्स के लिए तो उसके लिए हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेकिन जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं बेटा मैनेजमेंट के इंटरनल यूज के लिए तो इंटरनल यूज के लिए कौन सी कॉस्टिंग सर रिकमेंडेड है इंटरनल यूज के लिए रिकमेंडेड है आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सही है तो हम पहले बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़े हुए होंगे जैसे कि वी विल स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ कोर्स का ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि भाई आ, क्या क्या चीजें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स एएस लेवल से हटा दिया गया आपको पता है एएस लेवल में आपने नहीं पढ़ा होगा और ओ uh, लेवल्स में आपने पढ़ा था मैनुफैक्चरिंग uh, अकाउंट्स और अब आप डायरेक्टली ए टू में पढ़ रहे तो देर इज अ जंप सही अगर देखा जाए ए एस में आप जो है वो भूल चुके हैं मैनुफैक्चरिंग अकाउंट तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है बच्चों को चूंकि ओ लेवल जिन लोगों ने कॉमर्स uh, से किया है अकाउंटिंग पढ़ी हुई है हाँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए चैलेंज ज़्यादा होता है सही है क्योंकि मैनुफैक्चरिंग अकाउंट्स आपको फ्रॉम द बेस पढ़ा, पढ़ना पड़ेगा लेकिन हम लोग जो है वो आपको जीरो से पढ़ाएंगे इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में सबसे पहले तो आप कॉस्ट को समझेंगे कॉस्ट कितनी टाइप्स की हो सकती है कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है फिक्स कॉस्ट क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को पढ़ेंगे फिर हम सीखेंगे सर मैनुफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनते हैं जो आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा मैनुफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ पे कोई नई भी चीजें हैं और यहां जो नई चीज है बेसिकली वो है आपका फैक्ट्री का प्रॉफिट सही है ओ लेवल अकाउंटिंग में हम अज्यूम करते थे कि जो फैक्ट्री है वो एक कॉस्ट सेंटर है कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब सर फैक्ट्री को कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपना प्रॉफिट चार्ज करे और फैक्ट्री क्या करती थी कि भाई जो गुड्स जितने की पड़ती थी वो चुपचाप किसको दे देती थी आउटलेट को दे देती थी और सारा का सारा प्रॉफिट कौन कमाता था आउटलेट कमाता था लेकिन यहाँ पे हम बेटा पढ़ेंगे कि जो फैक्ट्री है अब वो सिर्फ कॉस्ट सेंटर नहीं है फैक्ट्री भी एक प्रॉफिट सेंटर है फैक्ट्री वाले ओवर द टाइम स्मार्ट हो गए वो कह रहे हैं यार ये क्या मजाक है सारी मेहनत हम करें प्रोडक्ट हम बनाएं और सारी शाबाशी किसको मिल रही है सेल्स आउटलेट को मिल रही है सारा जो है आ, वो सेल्स आउटलेट को फ़ायदा होता है और वो जब वो बेचता है तो वो कंपनी को कमा कर देता है तो उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है उसको रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं उसका सैलरी पैकेज भी बहुत ज्यादा है तो फैक्ट्री ने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा हम भी प्रॉफिट कमाएंगे तो फैक्ट्री भी अपना प्रॉफिट चार्ज करेगी और फिर प्रोडक्ट बेचेगी आउटलेट को और आउटलेट अपना प्रॉफिट चार्ज करेगा तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रांसफर प्राइस का सही ट्रांसफर प्राइस क्या होती है एक ऐसी प्राइस जिसके ऊपर फैक्ट्री गुड्स बेचती है अपने आउटलेट को तो ट्रांसफर प्राइस में फैक्ट्री पहले ही अपना प्रॉफिट रख लेगी जो कि फैक्ट्री प्रॉफिट कहलाता है सही है है फिर इसमें प्रॉफिट का होता कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट को कैसे हमें रिमूव करना होता है देन वी के साथ भी भाई सिमिलर है कुछ कि क्लब अकाउंट जो है वो आपने ओ लेवल में पढ़ा फिर ए एस में नहीं पढ़ा अब आप ए टू में पढ़ रहे हैं क्लब अकाउंट्स क्लब्स एंड सोसाइटीज जिसको आप कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं एनपीओ कहते हैं नॉन प्रॉफिट कहते हैं बात एक ही है तो हम देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट के, के अकाउंट जो है वो कैसे बनते हैं सही है तकरीबन चीजें तो वही है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है जैसे कि सर आपका एक कैंटीन का अकाउंट बनता है कैंटीन की इनकम स्टेटमेंट जिसको रिफ्रेशमेंट की इनकम स्टेटमेंट कहते हैं फिर पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिर एसओ बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अब यहाँ पे जो है वो डोनेशन के अलग अलग टाइप्स होती हैं ये आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ था तो कुछ आ, सिमिलर जो है वो चीज है बाकी यहाँ पे एक नई चीज है और वो है लाइव सब्सक्रिप्शन लाइफ सब्सक्रिप्शन क्या होती है भाई एक तो ऑर्डनरी सब्सक्रिप्शन होती है जो हम हर साल चार्ज करते हैं अपने मेंबर्स से लाइफ सब्सक्रिप्शन का ये मतलब होता है सर कि जो हमारे मिच्योर मेंबर्स हैं जिनकी एक सर्टेन एज है फॉर एग्जांपल 50 या 60 हमने उनको बोला कि बजाय इसके कि आप हर साल पैसे दो आपकी ऑलरेडी इतनी उम्र हो गई है आप एक बार हमें इतने पैसे दे दो उसके बाद जितनी आपकी लाइफ रही जिंदगी जितनी रही आप वो पूरी लाइफ इन्जॉय करना और अब हमारे क्लब में आके जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जो भी हैं फैसिलिटीज़ वो आप इंजॉय करना तो ये लाइफ मेंबरशिप होती है हम देखेंगे कि अगर लाइफ सब्सक्रिप्शन जो है वो ले रहा है कोई मेंबर तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी लाइफ मेंबरशिप की या लाइफ सब्सक्रिप्शन की तो ये जो है वो थोड़ी सी नई चीज है ये आपने ओ लेवल में नहीं पड़ी देन वी हैव पार्टनरशिप अकाउंट्स एक जमाना था कि जब ए एस की जो अकाउंटिंग थी उसके अंदर आप ये चीजें पढ़ते थे पार्टनरशिप फॉर्मेशन डिजोल्यूशन चेंजेस वगैरह लेकिन रिसेंटली जो सिलेबस चेंज आया है ट्वेंटी फोर में कि अब ए एस अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेशन भी नहीं है डिजोल्यूशन भी नहीं है चेंजेस भी नहीं है बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग है ए एस की जो आप ओ लेवल में पढ़ते थे तकरीबन वही अकाउंटिंग है अब ए टू लेवल अकाउंटिंग में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज बढ़ गया क्योंकि अगर आप ए एस में चीजें पढ़ के आ रहे होते तो ए टू में आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता लेकिन खैर है कोई मसला नहीं है हम आपको कोशिश करेंगे कि शुरू से आपको ये कॉन्सेप्ट्स पार्टनरशिप में सबसे पहले है फॉर्मेशन फॉर्मेशन क्या होता है बेटा जब दो सोल ट्रेडर्स मिल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं अपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं सही दो दोस्त हैं उन दोनों की दुकानें हैं और दोनों ने बोला यार बीच में जो दीवार है वो गिरा देते हैं और क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं और क्या करते हैं कि हम एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं तो हम देखेंगे सर जब पहली दफ़ा पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है और उसका आपने किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद होता है डिजोल्यूशन सही है जहाँ दोस्ती है वहाँ पर बाज़ात जो है वो अख्तिलाफ़ भी आ जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स आपस में जब डिज़ोल्व करें बिज़नेस को बंद करें तो वाकई में उनका कोई फट्ढा हुआ हो ये भी हो सकता है कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं मुल्क के और बिज़नेस के हालात अच्छे नहीं हैं या फिर पार्टनर्स अब चाल चाह रहे हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया अब बाकी ज़िंदगी हम थोड़ा सा जो है वो तबलीग में लगाएं या अपनी फैमिली को हम देखें और जो है वो इंजॉय करें सही गाँव जाएँ वहाँ पर बकरियाँ पालें

पार्टनर्स इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है इसके अलावा बेटा कैपिटल अकाउंट हो गया फिर इसके बाद हम जो है वो बैंक अकाउंट बनाएंगे हम ये देखेंगे कि किस पार्टनर को जो है वो कितना पैसा हमने देना है वो कैपिटल से आएगा फिर बैंक अकाउंट बना के बैंक अकाउंट को भी अल्टीमेटली क्या करेंगे क्लोज कर देंगे तो ये होती है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग देन वी हैव पार्टनरशिप चेंजेस चेंजेस क्या होता है सर चेंजेस ये होता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप पार्टनरशिप में किसी किस्म का चेंज आ रहा है क्या चेंज आ सकता है बेटा हो सकता है कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा हो तो ये कहलाता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा हो तो ये कहलाता है सर आपका रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ये भी हो सकता है सर ना कोई पार्टनर बिजनेस में नया आया ना कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के गया उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम बिजनेस के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं क्या चेंजेस हो सकते हैं सर ये हो सकता है कि हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे थे अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना शुरू कर दिया या पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर रहे थे अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटा दिया जाए पहले किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिल रही थी अब उस पार्टनर को सैलरी मिलना शुरू हो जाए या पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कुछ और था और अब पार्टनर्स चूके कोई टाइम ज्यादा दे रहा है कोई कम टाइम दे रहा है तो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाए अगर बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज आएगा पार्टनरशिप में तो हम क्या करेंगे पार्टनरशिप चेंजेस की अकाउंटिंग देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हम रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं जिससे पता लगता है कि बिज़नेस के अंदर जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं अगर वो रीवैल्यू हो रही हैं तो उससे कितना गेन या लॉस आ रहा है फिर यहाँ गुडविल की एडजस्टमेंट होती है गुडविल बिज़नेस की रेपुटेशन होती है तो कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उससे गुडविल के पैसे चार्ज करते हैं जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाता है तो वो अपनी जो मेहनत है जो अपना नाम है बिजनेस का जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बिज़नेस को बिल्ड करने में अपनी वो मेहनत लेकर जाता है इसके लिए हम गुडविल की भी क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके बाद है सर सेल ऑफ बिजनेस टू कंपनी सेल ऑफ बिजनेस टू कंपनी और डिजोल्यूशन काफी मिलता जुलता है डिजोल्यूशन में ये होता है सर हम अपने पार्टनरशिप को बंद कर रहे हैं ताला लगा रहे हैं और सारे एसेट्स एक एक करके ब्रेक करके बेच रहे हैं जैसे बिल्डिंग अलग बेच दी मशीन अलग बेच दी कंप्यूटर्स अलग बेच दिए गाड़ी व्हीकल्स अलग बेच दी सेल ऑफ़ बिज़नेस बिज़नेस कंपनी में हम हम क्या करते हैं कि कि बजाय इसके को ब्रेक करके तोड़ तोड़ के बेचें हम चलता हुआ बिजनेस रनिंग बिजनेस बेच देते हैं जैसे हम देखते हैं अखबारों वगैरह में ऐड आया हुआ होता है कि भाई मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है बिजनेस बेचना है। सही है तो जो बिजनेस बेचेंगे हम रनिंग बिजनेस बेचेंगे तो हम देखेंगे उसमें क्या होगा तो एक डिफरेंस तो ये होता है जब हम बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसमें नॉर्मली जनरली हमें लॉस हो रहा होता है क्योंकि हमने अगर एक स्कूल खोला और एक ए हमने एक लाख रुपए का खरीदा और दो तीन साल के बाद अगर हम वो स्कूल बंद कर रहे हैं खुदाना खास्ता तो अब वो एक जो एक लाख का खरीदा था वो हार्डली पचास हजार का या तीस हजार का बिकेगा लेकिन अगर हम चलता हुआ बिजनेस बेच देते हैं तो नॉर्मली उसमें हमें गुडविल भी मिलती है तो उसमें हमें नॉर्मली गेन हो रहा होता है तो हम देखेंगे सर अगर हम रनिंग बिजनेस बेचेंगे तो सेलर के परस्पेक्टिव से हम अकाउंटिंग करेंगे कि भाई वो जो सेलर है उसको क्या हो रहा है चाहे वो सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है कि सेलर को कितना गेन हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है तो ये पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है सर देन वी हैव कंपनी अकाउंट्स कंपनी के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे है हैं बेटा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ओ लेवल्स में और ए एस लेवल में जैसे कि इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर ये होता है कि जब कंपनी नए शेयर इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को तो उसकी हम क्या एंट्री बनाते हैं नॉर्मली हम एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता होता है और आपको ये भी पता है सर अगर वन डॉलर वाला शेयर हम वन पॉइंट फाइव में दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो वन डॉलर बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है और जो पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है तो इसकी हम एंट्रीज देखेंगे कि सर ये एंट्रीज कैसे होती है ये एस में भी आपने पढ़ी है फिर यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स होता है फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली दो तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसका पुराना नाम था इनकम स्टेटमेंट पुराना नाम मैं इसलिए कह रहा हूं सर के 2014 में जो अपडेट आया है एग्जामिनर अब जो है उसके लिए नाम यूज कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो एक जमाने में पहले भी यूज होता था सही तो अब आपने इनकम स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं करना उसकी जगह क्या वर्ड यूज करना है दोबारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो हम देखेंगे कि कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉम सोल ट्रेडर कुछ चीजें आपको पहले भी पता होंगी और कुछ चीजें आप यहां देखेंगे जैसे कि कंपनी के अंदर जो एक्सपेंसिस हैं उसको हम बाय नेचर नहीं लिखते जैसे रेंट एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डिप्रिसिएशन इर डेट बाय नेचर जैसे सोल ट्रेडर या पार्टनर करते हैं ऐसा नहीं करते कंपनी क्या करती है बेटा एक्सपेंसेस को ग्रुप कर देती है कैटेगरीज में फंक्शंस में ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये बाय फंक्शन कहलाती है तो कंपनी में एक्सपेंसेस की नॉर्मली दो कैटेगरीज होती हैं एक होती है सर हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सही है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी सेल्स या डिलीवरी कैरेज आउटवर्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो आ रही होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और अगर सर हमारी कॉस्ट है ऑफिस से रिलेटेड एडमिन से रिलेटेड सही है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ये आ जाती है एडमिन कॉस्ट में तो आपको पता है कंपनी में प्रॉफिट फॉर द ईयर डायरेक्टली नहीं आता पहले आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं जिसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं फिर उसमें एंड में हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं इंटरेस्ट माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट के नाम से तो हमारे पास क्या आ जाता है सर ये सारा हम करेंगे कैलकुलेशन वगैरह सारा जो है मैं आपको आईपैड पे सॉल्व करके जो है वो पूरा इसका फॉर्मेट वगैरह बताऊंगा अच्छा फॉर्मेट से याद आया ये जो मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूँ ये जिस वर्कबुक से दे रहा हूँ ये मेरी अपनी कंपाइल की भी बुक्स होती हैं जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको आइडिया है कि भाई ग्रेड नाइन से लेके ए टू लेवल तक हमारी अपनी बुक कंपाइल हुई हुई होती है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं फॉर्मेट्स भी होते हैं टॉपिकल पास पेपर्स भी होते हैं अनसोल्व जो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में सॉल्व कर रहे होते हैं चाहे वो ऑन साइट हो या ऑनलाइन हो या फिर हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है लर्निड गाइड्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे तो वहां से वहां पे भी ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपने ये वर्कबुक चाहिए तो अगर आप कराची में हैं तो आप ये हार्ड कॉपी पिक कर सकते हैं हमारे आउटलेट से जो हमारा अकेडमी uh, है जमजमा पे डीएचए में कराची में वहां से आप पिक कर सकते हैं लर्नोवेट के नाम से हमारी एकेडमी है और अगर आप आउटसाइड कराची हैं और या आउट ऑफ कंट्री है जैसे बहुत से हमारे हमारे हा, हा, स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी होते हैं तो आप जो है वो कोरियर के थ्रू लेपर्ड कोरियर या टी के थ्रू हम आपको डिलीवर करवा सकते हैं तो आप इसकी अगर पेमेंट सबमिट कर दें तो हमारी टीम आपको ये डिलीवर कर देगी तो ये हो गई बात फिर हम बात कर रहे थे सर कंपनी के अंदर फाइनेंस कॉस्ट माइनस करके फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है फिर हम टैक्स चार्ज करते हैं तो फिर फाइनली प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है तो ये कंपनी की हो गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस फिर आप पता है सोसाई बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये तकरीबन वही है जो आपने पहले पढ़ी हुई है ए एस लेवल में भी इसमें कुछ नई चीजें होती हैं जो आपने पढ़ी हैं ए एस में भी जैसे बोनस इशू होता है राइट इशू होता है तो हम ये देखेंगे कैसे होता है और उसके बाद बेटा एस ओ एफ पी हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एस ओ एफ पी बनाने में हम एक और चीज भी बना रहे होते हैं जो आपने ए एस में भी पढ़ी थी वो होता है शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स सही है ना शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स क्या होता है बेटा कि जितने भी कंपनी के नॉन करंट एसेट्स हैं उसकी जो डिटेल है वो कंपनी एस एफ पी के फेस पे शो नहीं करती बैलेंस शीट के फेस पे शो नहीं करती बल्कि उसको नोट्स में शो करती है सही है ताकि कंपनी नहीं चाहती कि भाई अननेसेसरी डिटेल हम शो करें कहाँ पे फेस पे एस एफ पी के तो जिसको इंटरेस्ट है वो जाके क्या देख ले नोट्स टू द अकाउंट्स देख ले और वहां पे पूरी डिटेल होती है कि कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स थे स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने नए एसेट हमने बाय किए कितने एसेट डिस्पोज ऑफ किए और एंड में कितने एसेट बच गए देन वी हैव सर परचेज और बिजनेस बाय कंपनी अच्छा अब देखें पहले हमने पार्टनरशिप uh, में पढ़ा था सेल ऑफ बिजनेस टू कंपनी अब हम पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ बिजनेस बाय कंपनी सर इन दोनों में क्या फर्क है सर ये काफी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं स्लाइड डिफरेंस में आपको ये बता देता हूँ सेल और बिजनेस टू कंपनी के अंदर हम कर रहे होते हैं सेलर की अकाउंटिंग सेलर कौन होगा या तो सोल ट्रेडर होगा या तो पार्टनरशिप होगा तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप नॉर्मली अपना बिजनेस बेच रहे होते हैं और वो किसको बेच रहे होते हैं कंपनी को और यहां पे हम सेलर की अकाउंटिंग बना रहे थे और यहां परचेज ऑफ बिजनेस में हम नॉर्मली बायर की अकाउंटिंग करेंगे तो नॉर्मली एग्जाम में कंबाइंड क्वेश्चन आता है जिसमें सेल ऑफ बिजनेस की भी वो अकाउंटिंग आपसे मांगता है और परचेज ऑफ बिजनेस या तो दोनों की मांगेगा सेलर और बायर की अकाउंटिंग या सिर्फ सेलर की मांगेगा या सिर्फ बायर की तो इन दोनों में फर्क ये बेटा जब हम कंपनी का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम बायर के परस्पेक्टिव से अकाउंटिंग करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है मैं आपको बता देता हूँ सही वैसे हम इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे जब आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे सेल ऑफ बिजनेस के अंदर जो सेलर होता है वो कैलकुलेट करता है गेन या लॉस सही है जो बेचने वाला होता है वो ये देखता है कि मुझे बिजनेस को बेचते हुए गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है लेकिन जब हम बायर की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं सर जब हम परचेज और बिजनेस पढ़ रहे होते हैं तो जो खरीदार होता है जो बायर होता है बायर गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं करता सर बल्कि बायर क्या कैलकुलेट करता है बायर गुडविल कैलकुलेट करता है क्या कैलकुलेट करता है गुडविल तो बेटा जो सेलर है वो हमेशा गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहा होगा और जो बायर होगा वो क्या कैलकुलेट कर रहा होगा गुडविल कैलकुलेट अब इन दोनों में आपस में क्या वो है रिलेशनशिप वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे मर्जर इनटू कंपनी भी काफी मिलता जुलता टॉपिक है परचेज और बिजनेस की तरह मर्जर इंटू कंपनी में ये होता है कि सर या तो दो सोल ट्रेडर्स या दो सेपरेट पार्टनरशिप्स या एक सोल ट्रेडर और एक पार्टनरशिप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं और एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं सही है तो जो परचेज ऑफ बिजनेस है या जो मर्जर है इसमें काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं सही है तो हम देखेंगे मर्जर की अकाउंटिंग कैसे हो रही होती है देन वी बेटा अनदर टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जैसे हम पढ़ते थे कि कंपनी जो अकाउंट्स बनाती है वो एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है एक सोसाई बनाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है तीन चौथी जो स्टेटमेंट होती है वो नोट्स टू द अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें सारी पॉलिसीज वगैरह नोट्स हमें बनाने नहीं होंगे ए टू लेवल पे लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नोट्स टू द अकाउंट्स होते क्या हैं तो कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी फेस पे शो नहीं करना चाह रही या नहीं कर सकती वो नोट्स में दे देती है सही है जैसे नॉन जैसे शेड्यूलिएशन की पॉलिसीज़ uh, वगैरह हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट हो गया ये सारी चीजें सही है तो अब ये जो पांचवी जो स्टेटमेंट होती है वो होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सही है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है बेटा कि जो साल गुजरा उसमें हमें बताना होता है कि कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया तो बेसिकली जो कंपनी कैश जनरेट कर रही होती है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक फॉर्मेट है जो हमें आई एस सेवन ने बताया आई एस क्या होता है इसमें हम आगे बात करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ए एस में और ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा कि आई ए एस जो होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पुराना नाम होता है आई ए एस हमारे लेवल पे सिर्फ आई ए एस ही है फॉर्चुनेटली uh, बोलूंगा मैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूंगा जो ए है और सी है उसमें अब जो नया नाम है वो है आई एफ आर एस तो जो नए रूल्स हैं वो आई एफ आर एस कहलाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स लेकिन ए लेवल में अभी भी हम सिर्फ पुराने वाले ही पढ़ रहे होते हैं पुराने वाले भी वैलिड है ऐसा नहीं है कि वो हट गए लेकिन जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके नाम है अब आई एफ आर एस सही है तो हम तो आई पढ़ते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हैं तो पचास से ज्यादा आई एस लेकिन हमारे कोर्स में हार्डली छ सात है तो हमने इससे वो पढ़ने होंगे तो एक आई एस आई एस सेवन जो हमें फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन बताता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की तो उसके अंदर क्या क्या होता है सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में प्राइमरीली हम तीन कैटेगरीज में अपने कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमारा मेन बिजनेस है जो हमारा मेन काम है उससे जो हम पैसा कमा रहे हैं वो कहाँ आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल है तो जो हमें फीस आ रही है जो हम सैलरीज पे कर रहे हैं या जो स्कूल को चलाने के ओवरहेड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही होंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रही होगी सही ऑपरेटिंग के बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब हम कोई बड़ा स्कूल है जैसे सिटी स्कूल बीकन हाउस या और कोई बड़ा स्कूल सिस्टम है तो हमारे पास बहुत सारे फंड्स होते हैं और हमारे जो अपने स्कूल का जो सिस्टम है उसमें एक लिमिटेड हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है तो अब हम क्या करें भाई अब हम पैसा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कोई ऑयल एंड गैस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए डेवेंचर खरीद लिए तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ रही होती है बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके अलावा जितने नॉन करंट एसेट्स हमारे अपने भी बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स वगैरह की डिटेल जो हमने बाय या सेल किए वो कहाँ रहे होते हैं इन्वेस्टिंग में और तीसरी बेटा सबसे आखिरी कैटेगरी होती है वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है अगर हमारा स्कूल है

वो है आई ए एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पर हमने बात कर ली कंपनी बेटा जब अकाउंट्स बनाती है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है इसकी एक बॉडी है आई ए एस बी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड तो वो बोर्ड जो है वो रूल्स बनाता है वो जो रूल्स हैं वो जो पुराने वाले रूल्स थे जो कि अभी भी इनफोर्स हैं वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे आई ए एस सही और आई ए एस भी हम सारे नहीं पढ़ते बहुत सारे हैं लेकिन हमारे कोर्स में कुछ छह सात आई ए एस हैं और जो नए रूल्स आ रहे हैं अभी और वो बहुत अरसे से आ रहे हैं वो भी लेकिन वो आप आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ में पढ़ेंगे सी ए सी सी वो आई एफ आर एस के नाम हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से आई एस हैं जो हम पढ़ेंगे आई एस वन है जो कि प्रेजेंटेशन के हवाले से आई एस टू है जो कि इन्वेंट्री वैल्यूशन है आपने पढ़ा है कॉस्ट और एन आर वी का रूल है फीफो एफ को आपने ए एस लेवल में पढ़ा था ये आई एस टू है फिर आई एस जो है वो सेवन है जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का हमें फॉर्मेट बताता है फिर आई एस एट है जो कि वो होता है एरर्स के ऊपर और जो है आई एस एट एरर्स के ऊपर है और चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट के ऊपर है फिर आई एस टेन है जो कहलाता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड सही है ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आई एस टॉपिक के अंदर सही है फिर इसके अंदर और भी कुछ आई एस हैं जैसे आई एस सिक्सटीन है वो हमें नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से सही है फिर आई एस जो हमारे पास कुछ और भी हैं जैसे थर्टी सिक्स है जो कि इंपेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स है फिर आई एस थर्टी सेवन है जो कि है प्रोविजन कंटिनजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी फिर आई एस का थर्टी एट है आखिरी जो कि हमारा इनटेंजिबल एसेट के हवाले से है और ख़ास तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसको कैसे अकाउंट करते हैं उसके ऊपर है तो ये हमारे थोड़े से आई एस हैं जो कि हम पढ़ेंगे जो कि एक क्वाइट चैलेंजिंग एरिया है और बच्चों को काफी चैलेंजिंग रखता है क्योंकि वो पहली दफा आई ए एस पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे सही मायनों में सही है ए एस में तो सिर्फ आई एस टू वगैरह है और उतनी ज्यादा डिटेल नहीं है फिर हमारे पास ऑडिट है और स्टीवर्डशिप है और लिमिटेड कंपनी ऑडिटिंग पे हम ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ आइडिया ये होता है बेटा कि आपने अगर एक कंपनी है देखा वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है उसने इतने मिलियन या बिलियन का प्रॉफिट कमाया तो आपने जो है वो आ, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपने उस कंपनी में जब इन्वेस्ट किया तो पता चला कि अगले साल क्या बोले कि उस कंपनी का लॉस हो गया सही है तो आपने बोला भाई कंपनी के जो वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो मैनेजमेंट थी आपने उनको बोला भाई ये क्या मजाक है पहले तो आपकी कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल थी और अब आप कह रहे हैं अचानक से लॉस हो गया ये क्या यार मेरे शेयर्स खरीदते ही आपको लॉस हो गया ये क्या मजाक है तो वो कह रहे हैं भाई ये अकाउंट्स हैं ये आप चेक कर लें सही तो आपने बोला भाई ये अकाउंट्स किसने बनाया वो मैनेजमेंट कह रही है बिल्कुल हमने बनाया तो आप कह रहे भाई ये अकाउंट्स तो आप बना रहे हैं और मुझे तो आपके ऊपर भरोसा नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई फ्रॉड किया है तो जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था उस वक्त तो आपकी कंपनी बहुत टॉप पे जा रही थी अब जब मैंने पैसा लगाया तो ऐसा कैसे हो गया कि एक ही साल में कंपनी लॉस पे चले गई तो वो कह रहे हैं कि भाई आप ही जो है वो पनौती हैं <laughs> फॉर एग्जाम्पल लेकिन ऐसा होता नहीं है आपको उन्होंने बोला कि भाई एक काम करें ना आप जो है अगर आपको बस हमने अकाउंट्स बनाए आप चेक कर लें तो आपने बोला नहीं भाई मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है आप खुद ही अकाउंट्स बना रहे हैं और आप खुद ही जो है वो हमें दिखा रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि अकाउंट सही है या गलत है सही है तो आपका एक क्वेश्चन वैलिड है तो उन्होंने बोला सही एक काम करते हैं कि हम एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि वो अकाउंट्स को क्या करे चेक करे सही है तो अब वो जो थर्ड पार्टी है ऑब्वियस सी बात है उसको मैनेजमेंट हायर नहीं करेगी क्यों क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही अपने किसी बंदे को बोले कि यार तुम अकाउंट्स का ऑडिट करके साइन कर दो और ये अप्रूवल दे दो कि अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं तो आपको तो मैनेजमेंट पे जब भरोसा नहीं है तो मैनेजमेंट जिस बंदे को हायर कर रहे हैं ऑडिट फॉर्म को हायर कर रहे हैं आपको उस पर भी भरोसा नहीं होगा तो इसलिए मैनेजमेंट आपको कहती है शेयर होल्डर बॉडी को कहती है कि यार आप मालिक हैं कंपनी के आप माई बाप हैं आप एक काम करें आप खुद ऑडिटर को हायर करें सही है खर्चा सारा कंपनी देगी आपकी आप उनको हायर करें और उनके ऊपर आपको भरोसा है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है वो आउटसाइडर है वो क्या करेंगे ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे और वो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि वाकई में ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं जो भी हमने प्रॉफिट शो किया है लॉस शो किया है क्या ये सही है या अकाउंट्स में कोई फ्रॉड हो रहा है तो फिर आपको तसली हो जाएगी तो जो थर्ड पार्टी जो होती है वो ऑडिट फॉर्म होता है और वो क्वालिफाइड लोग होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब वो कंपनी के रिश्तेदार नहीं होते चाचा मामा ताए के बेटे नहीं होते और वो ऐसा नहीं है कि भाई वो जो कंपनी बोलेगी वैसा करेंगे क्यों क्योंकि उनको तो पैसे एक फिक्स अमाउंट मिलना है चाहे वो रिपोर्ट पॉजिटिव बनाए या नेगेटिव बनाए सही है तो इसीलिए ऑडिटर का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑडिटर की एक साइन हो जाती है इसके ऊपर जो है वो शेयर होल्डर को इतमान हो जाता है तो इसी से अंदाजा होता है कि जो ऑडिट प्रोफेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में अगर आप चार्टेड अकाउंटेंसी करते हैं एसीसीए सी करते हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं तो उस एक ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपए अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर सही है तो ये होता है ऑडिटर की इंपॉर्टेंस सही है स्टीवर्डशिप जो है स्टीवर्ड कहते हैं रखवाले को स्टीवर्डशिप बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करे प्रोटेक्ट करे और कंपनी को रन करे किसके बिहाफ पे शेयर

देन वी हैव कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी तकरीबन थ्योरी है इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है आ, पहले आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते रहे हैं कि भाई कंप्यूटराइज अकाउंट्स बनाने के क्या फायदे हैं क्या नुकसाना हैं एडवांटेजेस जिस एडवांटेजेस लिखने होंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ना तो ये होगा इसमें फिर रेशोज एनालिसिस बेटा आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था रेशोज ए एस लेवल में भी पढ़ा था ए टू लेवल में भी रेशोज हैं जैसे जी पी मार्जिन एनपी मार्जिन करंट रेशो को नॉन करंट एसेट टर्न ओवर ये बेसिक रेशोस तो आप सारे यहां पे भी पढ़ रहे होंगे रिविजन के तौर पर लेकिन जो नए रेशोज हैं ए लेवल में वो है आपके इन्वेस्टर रेशोज इन्वेस्टर रेशोज क्या होते हैं सर कि अगर एक शेयर होल्डर जो है वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कौन कौन से रेशोज देख रहा होता है तो कुछ नए रेशोज है बेटा जो ए लेवल रेशोस कहलाते हैं इन्वेस्टर रेशो जिसमें एक ईपीएस है अर्निंग पर शेयर जिसमें प्राइस अर्निंग रेशो है जिसमें डीपीएस है दाऊद पब्लिक स्कूल नहीं दाउद पब्लिक स्कूल नहीं है डीपीएस होता है डिविडेंड पर शेयर सही है फिर एक होता है इंटरेस्ट कवर फिर एक होता है डिविडेंड कवर सही है फिर एक होता है गेयरिंग गेयरिंग आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा बिजनेस वगैरह में ना तो गेयरिंग रेशो फिर एक होती है इनकम गेयरिंग तो यहाँ पे इस तरह के कुछ नए रेशोस भी आप पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे भाई ये नए रेशोस का मतलब क्या है बेसिकली होता ये है कि जो इन्वेस्टर होता है या एनालिस्ट होता है वो इन्वेस्टर के अः बिहाफ पे कंपनी के ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है उससे इन्वेस्टर को या एनालिस्ट को पता लगता है कि कंपनी के हालात ओवर द इयर्स बेहतर होते जा रहे हैं या बदतर होते जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट आ रही है बिजनेस के हालात में या वर्सन हो रहे हैं हालात तो इसकी इसको देखते हुए जो शेयर होल्डर है इन्वेस्टर है वो डिसीशन लेता है कि मुझे और शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या जो शेयर्स मैंने ऑलरेडी खरी खरीदे हुए हैं उसको मैं डाइवेस्ट कर दूँ बेच दूँ या मैं उन शेयर्स को होल्ड करूँ तो इसके लिए बेसिकली होता है रेशोस एनालिसिस सही है जी तो बेटा बिफोर मूविंग ऑन के हम जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे मूव करें तो हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने एल के हवाले से जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारा एट टेक प्लेटफॉर्म है लर्न एड गाइज डॉट कॉम जैसा कि बहुत सारे बच्चों के इल्म में है जिन लोगों के इल्म में नहीं है मैं बता दूं हमारा एक प्लेटफॉर्म है लर्न एड गाइज डॉट कॉम जहाँ पे तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिसोर्स भी मिलते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलते हैं लाइव क्लासेस की एक्सेस भी मिलती है फ्राम टॉप टीचर्स फ्राम कराची तो हम बात कर रहे हैं बेटा अभी अकाउंटिंग बाय एआरडी माई सेल्फ तो अकाउंटिंग के बेटा जो कोर्सेज अवेलेबल है लर्नेड गाइस पे उनका थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं सबसे पहले हमारे पास है क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स बेसिकली सबसे पहले नहीं होता क्रैश कोर्स सबसे एंड एंड के लिए होता है तो क्रैश कोर्स आप शुरू में यूज नहीं करेंगे क्रैश कोर्स अगर आपने यूज करना है तो एंड में यूज करेंगे चाहे आपके कॉलेज के मिड ईयर एग्जाम्स हैं या तो आपके कॉलेज के मॉक एग्जाम्स हैं या CIE से पहले एक महीना पहले महीना या पंद्रह इसकी एक्सेस ले सकते हैं और इसके अंदर जैसा कि आपके इलम है यहां पे नंबर ऑफ लेसन भी दिए हुए 95 लेक्चर्स हैं इसके अंदर क्रैश कोर्स में और टोटल इसकी ड्यूरेशन है 31 वन आवर्स थर्टी आवर्स जो है वो नॉन स्टॉप इसके अंदर आप जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अब इसमें होता क्या है बेटा क्रैश कोर्स में जैसा कि आपके में क्रैश कोर्स में एक तो सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस होंगे अगर कॉन्सेप्ट्स अलग से अवेलेबल है और इसके अलावा बेटा हर टॉपिक का इसके अंदर क्या होगा दो से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अब वो या तो डिफिकल्टी वाइज मुश्किल क्वेश्चंस होंगे या तो उन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ऐसी होगी कि उसमें मेजॉरिटी टॉपिक्स आपके रिवाइज हो रहे होंगे तो इसमें पूरे कोर्स की डिटेल नहीं होती कोर्स का ओवरव्यू होगा और इसके अलावा क्या होगा हर कोर्स के हर टॉपिक के दो से तीन क्वेश्चन होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस तो ये आप एंड में यूज कर सकते हैं इसके अलावा बेटा हमारे पास है इयरली पास पेपर्स पी थ्री और पी फोर के ईयरली पास पेपर्स भी अगेन जो है सेवेंटी फाइव आवर्स का तकरीबन इसमें कंटेंट अवेलेबल है ईयरली आप अभी यूज नहीं करेंगे जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस के लिए ईयरली पास पेपर्स का कोर्स यूज कर सकते हैं ईयरली पेपर्स अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टू थाउजेंड फोर्टीन से लेके ट्वेंटी फोर तक सारे पेपर्स सारी अटैम्प्ट सारे वेरियंट्स उन सब के रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो सारे क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ईयरली के अंदर अगर आप देखें और ट्वेंटी फोर तक सही और जो नए अटेम्प होती जाएंगी उसके अंदर हम क्या करते जा रहे हैं अपडेट करते जा रहे हैं सही है तो ये हो गया और इसका फायदा कब होगा कि जब आपका कोर्स एक बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो ईयरली को देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलर कोर्स है बेटा इस वक्त और जो कि आपने शुरू में यूज करना है साथ साथ यूज करना है स्टडीज के वो है आपका टॉपिकल कोर्स तो देखें टॉपिकल कोर्स में हमारे पास 93 थ्री आवर्स का कंटेंट है अलहमदुल्ला इस वक्त जो है वो पाकिस्तान भी अगर मैं बोलूं और पूरी दुनिया में भी बोलूं तो हमारा जो सब्जेक्ट है और ए लेवल अकाउंटिंग उसके ऊपर अलहमदुल्ला अल्लाह का बड़ा करम है कि इससे ज्यादा काम किसी और ने नहीं किया जितना मैंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया है तो इतना ज्यादा कंटेंट जो है वो कहीं और दुनिया में आपको नहीं मिलेगा ए लेवल अकाउंटिंग के हवाले से और ओ लेवल अकाउंटिंग के हवाले से सही है तो नाइनटी थ्री आर्ट्स का आपका कोर्स है जिसमें टू सेवेंटी फोर लेक्चर है अच्छा अब इसमें आपको ये यूज कैसे करना है इसको पढ़ना कैसे इसकी स्ट्रेटेजी भी समझ लेते हैं एक एक टॉपिक अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्सेज की एक्सेस ले रहे हैं तो आप एक एक टॉपिक उठाएंगे एक एक टॉपिक के पहले आप टॉपिकल कोर्स में से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज दिए हुए हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी डिफिकल्टी कम है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा सही है तो अगर तीन चार क्वेश्चन करके अगर आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है तो सही है अगर नहीं बनता तो आप और क्वेश्चन टॉपिकल प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका जो है वो फिर जो टॉपिक है वो पूरा तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से आप ये टॉपिकल कोर्स को देखते हैं और एक फ्री कोर्स भी हमारा अवेलेबल है फ्री कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी एक्सेस नहीं ली जो लाइव क्लासेस में एनरोल नहीं हुए हमारी या फिर उन्होंने अभी जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं ली सब्सक्रिप्शन का भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सब्सक्रिप्शन है जैसे कि आपके में है उसके अंदर ये ए टू अकाउंटिंग की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये चारों कोर्सेज की आपको एक्सेस उसके अंदर मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन में तो फ्री कोर्स बेटा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ली या वो लाइव क्लासेस में एनरोल नहीं हुए तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो आप ये यूज कर सकते हैं और डेमो भी भी थर्टी सिक्स लेक्चर्स जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तकरीबन बारह घंटे का इसमें कॉन्टेंट है जो आप फ्री में देख सकते हैं आई गेस एक या दो टॉपिक्स ऐसे हैं आई गेस मैनुफैक्चर अकाउंट्स होगा और क्लब अकाउंट्स होगा वो आपको यहाँ पे मिल रहा है डेमो के तौर पर तो आप ये पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं इससे फ्री कोर्स तो बेटा चले अब वापस बढ़ते हैं हम अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा रह गया ओवरव्यू उसके ऊपर तो बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास सिर्फ बेसिकली पांच मेन टॉपिक्स हैं एक है एबीसी कॉस्टिंग जिसको आप कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है जैसे आपने ए एस लेवल में पढ़ा था अब्जोपन कॉस्टिंग तो समझ लें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये एक अपग्रेड है जो कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो so कॉस्टिंग क्या होता है भाई के ओवरहेड जितने भी हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं चूंकि वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है उनको हम प्रोडक्ट के ऊपर जब चार्ज करते हैं तो वो हम नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज करने के लिए हम पढ़ते थे कॉस्टिंग कॉस्टिंग में जब हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं तो या तो पूरी फैक्ट्री का हम सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्न रेट निकालते थे जो कहलाता था ब्लैंकेट रेट या फैक्ट्री वाइड रेट या हम हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालते थे सही है जैसे कि कटिंग डिपार्टमेंट का अलग रेट होता था का पेंटिंग का अलग होता था और प्रोडक्शन का अलग होता था मशीनिंग का अलग होता था एबीसी कॉस्टिंग उससे भी एक स्टेप आगे है कि अगर एक डिपार्टमेंट में पांच अलग-अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है तो हर एक्टिविटी का अलग-अलग हम रेट निकालेंगे और हम ओवर रेट को चार्ज करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज सही तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है एक घंटे में जो है वो पूरे कोर्स का overview तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हो सकता तो स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या होता है बेटा जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं एक अपना टार्गेट बनाते हैं कि हम ऐसे इस काम को करेंगे और इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा सही ये स्टैंडर्ड होता है सही लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया वो अचीव हो भी जाए बाद हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हम डेली एक घंटा जो है वो रनिंग करेंगे वॉक करेंगे लेकिन हम एक घंटा नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल सिर्फ थर्टी मिनट्स कर पाते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है ये कहलाएगा वेरियंट्स अब वेरियंट बेटा फेवरेबल भी हो सकता है पॉजिटिव या एडवर्स भी हो सकता है नेगेटिव अगर वेरिएंस आने की वजह से कंपनी का फायदा हुआ है तो वो फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा और वेरिएंस की वजह से अगर कंपनी का नुकसान हुआ है तो वो अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस कहलाएगा तो हम देखेंगे भाई रॉ मटेरियल के वेरिएंसेस पढ़ेंगे लेबर के वेरिएंसेस पढ़ेंगे सेल्स के वेरिएंसेस पढ़ेंगे और फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे चार कैटेगरीज हैं वेरिएंसेस के मैंने कुछ फार्मूला भी अपने डिजाइन किए हैं जो कि जो मेरी वर्कबुक है जिससे मैं ये कोर्स का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सही तो उसके अंदर ये जो है के शीट भी मैंने दी हुई आपके लिए ना एग्जाम में गिवन नहीं होंगे और आपने जो है वो ये फॉर्मूला याद करने होंगे तो वेरियंस एनालिसिस हो गया देन वी है बजटिंग बजटिंग क्या होता है बजटिंग बेसिकली एक प्लानिंग होती है फाइनेंशियल प्लानिंग के एक होता है फोरकास्ट और एक होता है बजट दोनों में क्या फर्क होता है फोरकास्ट होता है व्हाट इज लाइकली टू हैपन नज़र क्या है, आ रहा है, क्या हो सकता है यह है फोरकास्ट। जैसे कहते हैं ना, वेदर फोरकास्ट अगले 24 घंटों के दौरान जवाद मेहमान साहब कहते हैं कि बारिश होने वाली है तो ये क्या है, फोरकास्ट है। बजट क्या होता है बजट है वॉट ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू हैपन क्या हम क्या चाहते हैं बेटा जो होने वाला है वो हमारा क्या है फोरकास्ट है और जो हम चाहते हैं ऐसा हो तो ये क्या कहलाएगा हमारा बजट कहलाएगा तो बेटा बहुत सारे बजट्स हैं और मेरे हिसाब से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है वो है मेरे हिसाब से बजटिंग बजटिंग के अंदर डिफरेंट बजट हम डिस्कस करेंगे एक कैश बजट होता है जिसको कैश फ्लो फोरकास्ट भी कहते हैं देन वी हैव प्रो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन बजट होता है फिर फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन बजट के बाद रॉ मटेरियल का परचेज बजट होता है फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स का बजट होता है फिर हमारे पास जो है वो सेल्स के बजट होते हैं फिर हमारे पास लेबर का बजट होता है फिर हमारे पास एक होता है फ्लेक्स बजट जिसको फ्लेक्सिबल बजटिंग भी कहते हैं तो फ्लेक्स बजट और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसमें बेसिकली थोड़ा ओवरलैप होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी फ्लेक्स बजट टेस्ट होता है और ये जो बजटिंग टॉपिक है इसके अंदर भी फ्लेक्स बजट टेस्ट होता है

कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज करेंगे और हम ये देखेंगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सूटेबल है भी या नहीं तो बहुत सारी टेक्निक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे कि एक टेक्निक है ए आर आर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट का ए आर आर कितना है फिर हम देखेंगे भाई कुछ और भी टेक्निक्स हैं ए आर आर के अलावा जैसे कि हमारे पास एक टेक्निक होगी एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल के देखेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स है हमारे पास जैसे कि है आई आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रे रे निकालेंगे फिर इसमें एक और टेक्निक होती है पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड हमें बताता है बेटा कि जो आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो कितने दिन के बाद कितने महीने या कितने सालों में वो पैसा हमें रिटर्न मिलेगा और सबसे एंड में सर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस टॉपिक आपने ए एस लेवल में भी पढ़ा होगा तो ज़्यादा ए टू लेवल में वो टेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी कोर्स का पार्ट है तो हम उसको डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फैक्टर ये होता है कि भाई कोई भी ऐसा फैक्टर जो लिमिट कर दे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को बेसिकली जिस चीज़ की शॉर्टेज है या तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी या लेबर की या मशीन कैपेसिटी की और किसी चीज़ की तो आई होप बेटा आपको कोर्स आउटलाइन समझ में आई तो इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे हम अपनी ऑनलाइन क्लास में So see you in our uh, live class or maybe in recorded lessons access. Thank you, G.